मैं लगाऊं। Calm down. लाओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से पिंडी खिलाऊंगी। उन खूबसूरत पलों को याद दिलाने का, तभी तुम इतनी हसीन लगती थी जितनी अब लगती। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी? हाँ तिवारी जी, आइए आइए ना, बैठिए ना। क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी उदास सी क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं तिवारी जी, विभू के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बस मेरी और विभू की पुरानी यादों की एल्बम की धुंधली तस्वीरों को देखकर अपना जी बहला रही थी। ये भभूति जी की पुरानी एल्बम क्यों बार बार देखती रहती है? कोई नई एल्बम क्यों नहीं ले लेती? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं मतलब ये भभूति जी की एल्बम वो भी बार बार देखते आप बोर नहीं हो जाती? तिवारी जी, आप अंगूरी जी से बोर हो जाते हैं? अंगूरी जी आपसे बोर हो जाती हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है भाभी जी। तो फिर ऐसी सलाह आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हम आपको ऐसे उदास नहीं देख सकते भाभी जी। थैंक यू फॉर द कंसर्न तिवारी जी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अंगूरी जी भी आपको टाइम नहीं दे पाती? भाभी जी, हम और आप एक ही कश्ती में सवार दो मुसाफिरों की तरह हैं, जिनके चप्पू पानी में गिर गए हैं और वो नाव जो है वो बीच में रुक सी गई है। अंगूरी के बिना हमारा जीवन भी रुक गया है भाभी जी। लेकिन क्या आपने अंगूरी जी से इस बारे में बात करने की कोशिश की? अरे अंगूरी जी के पास समय कहाँ है भाभी जी, उसे आलू प्याज टमाटर या भभूति जी से फुर्सत मिले तब ना। भभूति जी से फुर्सत मतलब? मतलब जब भी हम अंगूरी से बात करने की कोशिश करते हैं तो या तो भभूति जी टपक पड़ते हैं या फिर उनका फोन आ जाता है, फिर वो दोनों बिजनेस टॉक करने में लग जाते हैं, कितने का प्याज, कितने के आलू, कितने के टमाटर। हमारा जीवन तो झंडों का रह गया है। तिवारी जी क्या बताऊं, मेरी खुद की हालत ऐसे ही है। जितना मैं विभू के पास जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे उतना ही दूर चला जाता है। खैर वो तो अच्छा ही करते हैं। ये कुछ कहा? नहीं मतलब बहुत गलत बात है, भभूति जी को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाभी जी, अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो हमें फोन कर दीजिए, हम है ना तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तिवारी जी लेकिन आप तो विभू की जगह नहीं ले सकते ना। मौका तो दें। तिवारी जी फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, आप बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं आप? भाभी जी हम कहना चाह रहे हैं कि हमसे आपकी जो उदासी है ना ये देखी नहीं जा रही है, इसलिए अब हमें इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तिवारी जी क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो तो वक्त आने पर ही बताएंगे, चलते हैं भाभी जी। अरे तिवारी जी कहाँ जी, मैं तिवारी जी नशे में रहते हैं क्या? खैर आई मिस यू विभू, आई रियली मिस यू। 15, 16, 17, 18 और ये 1900 हो गया दरोगा जी का। चल पे लो। अरे अरे सक्सेना जी जरा रुकिए तो। क्या बात, आजकल बड़े बिजी बिजी से चल रहे हैं। भैया जिंदा रहने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। कितनी तनख्वाह मिल रही है आजकल? 4 शॉक डेली। 4 शॉक कुछ कम नहीं है? नया जॉब है ना भैया, भूति मैंने बुलाया, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा आगे चल के। वैसे हमने यहाँ पर वो अभी पास में ही कुछ बिजली के नंगे तारों को देखा। कहाँ? सच में बिजली के नंगे तार? विभूति भैया ने पता आज सुबह दिया तो था पर उतना मजा नहीं आया, उतने तेज नहीं थे। अच्छा 440 के शौक की बात ही अलग है। वो तो है। कहाँ देखे आपने नंगे तार? कहाँ देखे? वो नुक्कड़ के पास नीम का पेड़ देख रहे हैं? हाँ नीम का पेड़ है। उसके पास जो खंबा है ना उस पे से कुछ तारें टूट कर नीचे गिर गई हैं। तो जबरदस्त 440 वोल्ट का करंट है, ऐसा करंट लगेगा कि भिन्ना जाएंगे। आई लाइक इट।
भैया आप डब्बों का ख्याल रखेंगे, दो मिनट में आता हूँ। बस दो मिनट निकल लो। ओहो अभी साइलेंट मोड को भी टरकाना पड़ेगा। बेटा पेलू जरा माचिस की तिल्ली पकड़ लियो बेटा, जरा जा। अब ये इतना बड़ा लाइटर मैं अपने कान में घुसेड़ूंगा, कान खुजाने के लिए माचिस की तिल्ली चाहिए बेटा, जा लेके आ। जा अच्छा पैसे चाहिए, ले बेटा जा लेके आ। जा जा बेटा। पप्पू सिंह ये अपने काम का है बे। ये है घोड़ों का जमाल घोटा। अब देखते हैं भभूति जी और अंगूरी का बिजनेस कैसे चलता है। हप्पू सिंह इसे खाते ही इनका बिजनेस दो मिनट में बंद करवा देगा। पता नहीं तिवारी भैया कोई तार वार लटके नहीं है यार, ये पता नहीं क्यों तिवारी भैया ने बेवकूफ बनाया मुझे यार। अबे पहलू कहाँ है तिवारी भैया, कहाँ है? ये क्या है सक्सेना जी, आप गए नहीं अभी तक? नहीं वो जा रहा हूँ, वो शौक लेने गया था। जरा शौक लेने गए थे? मैंने शौक दिया था ना आपको? मैं उतना तेज नहीं था, मैंने 440 वाट के करंट का मजा ही अलग है। like ऐसे काम चलाइए आप, जब लौट के आएंगे ना डब्बे देके तो मैं आपको बड़ा शौक दूंगा, ठीक है? पक्का right, पक्का पक्का, चलिए निकलिए। सक्सेना जी कहाँ है? दरोगा जी का टिफिन नहीं लेके गए तुम? नहीं नहीं है, दरोगा जी का है, ये इनका नाम भी लिखा है। ये गलत नाम लिखा है, ये लड्डू के भैया का टिफिन है। Come on, partner, क्या फर्क पड़ता है इससे? खाना दोनों में सेम ही है ना? अनाही, ये लड्डू के भैया को पूरी से गैस हो जाती है, इसलिए हम उनके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। तो क्या फर्क पड़ता है गैस हो जाती है? क्या बात कर रहे हो, हमारे पति है ना? ये तो प्रॉब्लम है। क्या बोले? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो भाई निकलो, तुम लोग निकलो। तो पार्टनर शाम को जो मेन्यू है डिसाइड करके मुझे बता देना, मैं सामान ले आऊंगा मार्केट से। ऑलराइट ठीक बात ठीक बात। Come on everybody, get back to work. Come on everybody, come on, move. Come on. Adali, come on everybody, come on, move. ये अंगूरी भाभी की बहुत बढ़िया। क्या हप्पू सिंह जी कैसे हैं? अरे भैया तिवारी कैसे हो? अरे हमारी छोड़िए अपनी बताइए, आप कैसे हैं? हमें क्या होगा, हम तो बहुत बढ़िया हैं, चकाचक हैं एकदम मजे में। अब नहीं रहेंगे। क्या बोले? नहीं मतलब खाना वाना सब हो गया? अरे और क्या, जो देखो पूरों को पूरा डब्बा साफ कर दो। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहे हो, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, खाना बहुत मजेदार है। भैया तिवारी एक बात कहें? हाँ कहिए। अपनी जो भाभी है ना अंगूरी जी, साक्षात अन्नपूर्णा देवी को रूप है। कितो स्वाद है उनके हाथों में। हाँ वो तो है, हम भी बस खा के ही आ रहे हैं। अच्छा तिवारी जी तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे हुए जो तुम्हें अंगूरी भाभी जैसी बीवी मिली है। आपने अच्छे कर्म नहीं किए क्या है? नहीं मतलब भाभी जी अच्छी नहीं है क्या? नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, नौ नौ ठैया बच्चा है, हमें पैदा करके दे, बहुत बढ़िया, उपकार करो हम पे। उपकार क्यों है, मतलब आपका कोई योगदान नहीं है? क्या बात कर रहे हो महाराज, ताली का एक हाथ से बजती है। नहीं, हमें लगा शायद कोई और ताली बजा रहा है। और वो पेट में कुछ हो रहा है क्या? हाँ
कल ही हमने पेट में हाथ रख के आलेज बैल बोलो, बच्चा लात मार रहा हो तो मतलब आपके पेट में बच्चा है? अरे यार तिवारी, तुम सठिया गए हो का? हम बीबी की बात कर रहे हैं। अरे हम आपके पेट की बात कर रहे हैं यार, आपका पेट ठीक है? नहीं, हमारा तो पेट बढ़िया है, चका चक्का हो गई पेट में। नहीं मतलब कुछ गुड़गुड़ शुड़ शुड़ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? अरे यार तिवारी भैया, हमने खाना खाओ है, जमाल गोटा थोड़ी खाओ है जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाए। जो तीर हमने किसी और पे छोड़ो वो हमें लगो। रखा छोड़ दो, कौन सा तीर भैया? तिवारी, ओ तिवारी, तिवारी भी बहुत बड़ी चिरांद है यार। ये सब हमारे हमारे कर्मों का फल है। हम इन्हें स्वार्थ में आकर अपनी भोली भाली बीवी के बिजनेस को बंद कराने की कोशिश की। अब वही स्वार्थ जुलाब बंद कर हमारी बैंड बजा रहा है। मर गया। अबे लड्डू, लड्डू क्या बात है भैया? अबे लड्डू, अबे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें जुलाब हो गए। जब भाभी माँ का स्वादिष्ट खाना छोड़ के बाहर का गंदा खाना खाओगे तो जुलाब तो होगा ही ना। अबे हमने तुझे नसीहत देने के लिए नहीं बुलाया। अबे तो क्या करे बताइए, भाभी माँ को बुले? तू डॉक्टर के पास जा। ठीक है भैया, हम अभी डॉक्टर को बुलाते। अबे बुलाना नहीं है, बुलाना नहीं है। अबे बुला लिया तो सुसरा फीस मांगेगा। उसको कहेगी भैया को जुलाब हो गए, दबा दे दे। जा जा बेटा। ठीक है भैया, कंजूस। अंगूरी हमें माफ कर देना, अंगूरी हमें माफ कर देना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आ, मर गया। ठाकू ठाकू, आपको हमारा खाना अच्छा लगा? ठीक बात, ठीक बात। थैंक यू भरमात। लड्डू के भैया, कुछ खबरें सुनाते हैं। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू भैया किधर है? वो भैया की तबीयत खराब है भाभी माँ। हाँ दिया, क्या हुआ उनको? भैया को न्यूज मोशन हो गया है। तो डॉक्टर को ना ही बुलाया का? भाभी माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर से दवाई लेके आ गया हूँ। भैया को खिला भी दिए, अभी आराम कर रहे हैं। दया, तो तुमको अपने भैया के पास बैठना चाहिए था। हाँ लड्डू, हाँ इधर उधर घूम रहे हैं, जा अभी पढ़ाई करो। कहाँ हो गया इनको, काहे लूज इमोशनल हो गए? लड्डू के भैया, दया लड्डू के भैया, कहाँ हो गया आपको? लड्डू बता रहा था कि नहीं, अरे वो कुछ नहीं कुछ नहीं, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा जुलाब हो गए हैं। अरे इमोशंस नहीं, इमोशन होता है पगली। सही पकड़े हैं। कितनी बार हुई जुलाब? ज्यादा नहीं, 20 बार। 20 बार हुए और आप बोल रहे कुछ ना ही हुआ, आप हमको फोन काहे ना आएंगे? अरे हम तुमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे पगली। काहे डिस्टर्ब का बात कर रहे हैं, आपका हक है हम पर। हक है पगली, बिल्कुल हक है, इसलिए तो हम फक्र से सर उठा के पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि अब हमारी अंगूरी सिर्फ किचन की रानी नहीं है बल्कि पूरे पूरे बिजनेस की क्वीन है।
कुछ ना कहो अंगूरी, कुछ ना कहो, बस अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दो। और हम तुमसे वादा करते हैं कि अब से हम तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें पूरा सहयोग देंगे, चाहे हमें हमारा खुद का बिजनेस क्यों ना बंद करना पड़े। बहुत प्यार करते हैं। अरे हमें इसी बात का तो पश्चाताप है कि तुम भी अपने बिजनेस से उतना ही प्यार करती हो, लेकिन हमें स्वार्थी है। तुम्हारा बिजनेस बंद कराने के चक्कर में बहुत बड़ा कांड करने जा रहे थे। हतिया, का कांड करने जा रहे थे? जज्बात में क्या क्या बोल गया तिवारी। क्या बोले? नहीं नहीं, अंगूरी की, हम इसलिए स्वार्थी हो गए थे कि तुम हमें टाइम नहीं दे पा रही थी, तुम हमारा ध्यान नहीं रख पा रही थी, लेकिन जब हमें लूज मोशन हुए तब हमारे इमोशन जागे कि नहीं, हम बाकी गलत थे। नहीं नहीं लड्डू के भैया, आप गलत हो ही नहीं सकते हैं। नहीं अंगूरी, हम गलत थे, लेकिन अब हम अपनी सारी गलती को सुधारेंगे। अब हम खुद ही खाना बनाएंगे, खुद ही किचन से लेके आएंगे, खुद ही अपने कपड़े धोएंगे, यहाँ तक कि लड्डू को भी हम खुद ही तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे और पढ़ाएंगे भी खुद ही। लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे अंगूरी, कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए ना इस साइड। अरे भाभी जी आप यहाँ हैं? कहिए भाभी जी, अचानक सुबह सुबह आपने कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है? तिवारी जी, सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन शायद मैं और आप ये चाहते ही नहीं हैं कि सब कुछ कुशल मंगल रहे। हम आपके कहने का आशय नहीं समझ पाए भाभी जी। तिवारी जी, मेरा आशय ये है कि देखिए ना, विभू और अंगूरी जी का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, और हम दोनों उनके पैर पकड़कर उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत है ना तिवारी जी। हाँ भाभी जी, गलत बात तो है, बस यही बात हम आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने खुद ही अपने मुंह से कह दी। देखिए ना तिवारी जी, विभू इतने दिनों से घर पर बैठे हैं, सब उनको नल्ला नल्ला कहते हैं, कभी तो मैं भी उनसे झगड़ा कर लेती हूँ, और आज जब विभू बिजी है तो मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ वक्त नहीं बिता पाता? बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी, और जहाँ तक समय देने का सवाल है, और भभूति जी आपको समय नहीं दे पा रहे, तो आपको समय देने के लिए हम हैं ना जी। नहीं मतलब अब देखिए कि अंगूरी भी बिजी हो गई है, तो हम भी तनहा से हो गए हैं, आप भी तनहा, हम भी तनहा, तो क्यों ना दोनों तनहा मिलकर इस तनहाई की रात के अंधेरे को मिटा दें। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तनहाई, तनहाई की रात, मैं विभू और अंगूरी जी के बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ, और आप कोई और ही राग अलाप रहे हैं। नहीं भाभी जी, वो कुल मिलाकर हम भी बस भभूति जी और अंगूरी के बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। मैंने तो सोच लिया है कि मैं विभू को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करूंगी। बस भाभी जी, तो हमने भी आपके पचिन्नों पर चलकर फैसला कर लिया है कि हम भी अंगूरी से कुछ नहीं कहेंगे। अनु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ विभू? मैं दोबारा से बेरोजगार हो गया। है? मतलब अंगूरी ने आपको अपनी पार्टनरशिप में से हटा दिया? अंगूरी, हमने पहले कहा था ना ये किसी काम के नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बिजनेस ट्यूनिंग अभी भी कमाल है, वी जेल वेरी वेल। वो बात क्या है, साफ साफ बताओ ना। बात यह है कि भाभी जी ने बिजनेस बंद करने का फैसला ले लिया। क्या? क्यों अंगूरी जी, आपका बिजनेस तो इतना अच्छा चल रहा था, आपका टिफिन का डिब्बा पूरे कानपुर में मशहूर हो गया था, फिर क्यों बंद कर रही है अपना बिजनेस? क्योंकि वो बिजनेस हमरे और लड्डू के भैया के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया था। लेकिन अंगूरी, हमने तो फैसला लिया था कि हम तुम्हारे बिजनेस में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके डिस्टर्ब करने में तो हमारी खुशी थी। हाँ लड्डू के भैया, हम 2-3 दिन से देख रहे थे कि हम वो बिजनेस के वजह से आपको टाइम ना ही दे पा रहे थे, हम बहुत बिजी थे, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमको मन ही मन में बहुत दुख हो रहा था कि हम आपको टाइम ना ही दे पा रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि हमरे और आपके बीच में एक दीवार सी खड़ी हो गई है, और फिर
फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, वो भी आप हमको बताए ना ही, तो हमको लगा कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। नहीं नहीं पगलिया, हम तो तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जा रहे थे। यही तो रोना है। क्या कहा आपने? मैंने कहा पानी लेके आइए, इनके पैर धो के पीजिए, इन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, फॉर अ मैन लाइक यू। आप जरा इधर आएंगे तभी तो पांव धोकर पिएंगे। आइए। पानी किचन से लाए हैं।